हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन की शादी दिखाई थी, तो ये है आज दूसरे दिन की शादी। तो यहाँ पर भी बारात चलने से पहले कुछ रिचुअल्स, रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है भाभी देवर को काजल लगाती है जाने से पहले। तो बस काजल भाभी जी ने लगा लिया और ये ले लिया है इन्होंने अपना सगन, यानी कि लाग बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये देखिए, अब जो है लाठी जो है पालकी की जो है दबा के रखी हुई है, ताकि यहाँ पर भी इनको लाग दिया जाए, सगन दिया जाए। तो वो भी जो है ये देखिए, देवर ने सगन दे दिया है और भाभी जी ने दे दी है इजाज़त जाने की। तो बस अब जो है इजाज़त मिलते ही बारात जाने के लिए रेडी हो चुकी है। और अभी भी हमारे यहाँ पर तो रिवाज ये है कि पालकी में ही दूल्हे को ले जाया जाता है, जैसे कि सड़क तक जितने भी घर से दूरी है वहाँ तक दूल्हे को इसी तरह पालकी में ले जाया जाता है। पर पालकी में ले जाने से पहले ना, तो ये भी दिखा देती हूँ कि ये अभी भी इस तरह की परंपरा है कि दूल्हे की पालकी के ऊपर से जो है उसके जो फादर हैं तो वो इस तरह से फूल और पैसों की वर्षा करते हैं। तो पहले तो मुझे भी याद है आजकल अपने बचपन के दिन कि जब इस तरह से पैसे फेंके जाते थे, तो बच्चे, मैंने देखा कि बच्चे जो इन पैसों को इकट्ठा करते थे और बड़ा शुभ मानते थे। पर आजकल तो ना कोई इन पैसों को नहीं उठाता। और अभी जो है पालकी थोड़ी देर के रुकी हुई है, क्योंकि पालकी से आगे जो है ना, ये देखिए दुल्हन की जो पटारी होती है उसका सामान होता है उसको ले जाया जाता है। और ये है चाचा जी, दूल्हे के रेडी बिल्कुल खड़े तैयार हैं। और लीजिए, चल पड़ी है अब बारात दूल्हे के भी, और पहुँच गए हम लोग सड़क पर। और सड़क पर आप देख सकते हैं ना कि दूल्हे की गाड़ी जो है, कार जो है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज कर रेडी है, तैयार है। तो ये हैं हमारे पंडित जी जो कि सबसे आगे बैठे हैं, और साथ में दूल्हा और दूल्हे के साथ उसके जो भाई वगैरह होते हैं उनको बिठाया जाता है। और देखिए अभी घर के बड़े जो सदस्य हैं ना, वो व्यवस्था कर रहे हैं गाड़ियों की कि किस में कौन कौन जाएगा। और यहाँ पर एक रिचुअल्स और वो रहता है कि जो दूल्हे की कार होती है ना, पंडित जी उसके आगे रख देते हैं एक नारियल, एक टोटका होता है। कि माना जाता है कि इस तरह से अगर नारियल को गाड़ी के टायर के नीचे दे दिया जाए तो यात्रा शुभ रहती है, किसी भी प्रकार की अनहोनी की जो है आशंका नहीं रहती है। तो बस दूल्हे की जो है गाड़ी अब जाने ही वाली है। तो ये देखिए, ये चल पड़ी है, और दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से नारियल, ये देखिए नारियल रखा था। और ये और अभी खड़े हैं यहाँ पे परिवार के सदस्य, ये मेरे श्रीमान जी हैं, जेठ जी हैं, मेरे भाई जी हैं, ये मेरे देवर जी, सभी जो हैं व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो बारात को विदा करके अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। तो सोचा थोड़ा सा व्यू आपको सुबह का आसपास का दिखा दूँ, मॉर्निंग व्यू कितना सुंदर जो है व्यू है, आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और भाई ये लगी है बारात के जाने के बाद की जो रिचुअल्स हैं, और हम सभी देरानियाँ जेठानियाँ यहाँ पर देखिए किस तरह से टूट पड़ी हैं इन केलों के ऊपर, क्योंकि अभी हमने जो है बिल्कुल खाना नहीं है। और जो हमारे यहाँ और रिचुअल्स होते हैं वो अब यहाँ पर निभाए जाएंगे। तो इनको हमारे यहाँ बोलते हैं बांदड़े पूजन। तो बांदड़े की पूजा जो है यहाँ पर की जाती है, कि जैसे भी जो जो तोरण वगैरह और जितनी भी चीज़ें जिनसे के नीचे से दूल्हे को ले जाया जाता है, नहलाया जाता है, उन सब की जो है पूजा करती हैं यहाँ पे देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर। तो और साथ में जो है एक ही पटड़ू के ऊपर बैठ के जो है सबकी जो है एक ही जगह पर सिर बुंदाई वगैरह होती है, तो वो रिचुअल्स यहाँ पर की जा रही है। तो दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये है बांदड़े पूजन लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर तीनों दरानियाँ जेठानियाँ जो है एक जगह पर ही उनकी जो है आज सिर गुंदाई वगैरह की जाएगी। और ये मेरी भतीजी है जो कि हम सब की सिर गुंदाई की, और साथ में देखिए ना जो भी पीछे बैठे होते हैं वो देते हैं लाड़ियाँ हम लोगों को, यानि कि हंसी मजाक में गालियाँ। तो अब जो आगे मेरी टर्न आ गई है, आप देखिए, आपको दिखाती हूँ ना कैसे कैसे जो है मेरी सासू माँ वगैरह जो भी पीछे हैं ना, कैसे मुझे लाड़ियाँ दे रहे हैं। Yeah, 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 y
शादी कर रहे होगे केदो से तो भाई बारी बारी से तीनों दरानियां जिठानियों की हो गई है सिर गुंदाई। और अब ये जो है इसमें होते हैं चावल, पैसे और गुड़ वगैरह होता है, तो जिसने हमारी सिर गुंदाई की है उसको दे दिया है। और अब जो है यहाँ पर सबसे आशीर्वाद लिया जा रहा है और थोड़ी सी मस्ती हो रही है अपनी ननंद के साथ। तू सास माल ने जो अंब तेरा गुदाई तो हो चुकी है, अब चल पड़े हैं हम बांदड़े पूजन करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी दहलीज है ना यहीं से शुरुआत होगी। तो इस तरह से हम अंदर से जोत में से ही जो है बलहटियों में जो लकड़ी है ना इसको बोलते हैं हम बलहटियों, इसमें ही हम आग जला के आते हैं वहाँ से ही पटड़े के ऊपर से ही। और इस तरह से बठियाँ बनाकर जो है ये मौली होती है ना मौली को हम लोगों ने तेल में डीप करके उसको जो है यहाँ पर जलाया जाता है। और यहाँ पर फूल पुष्प अक्षत वगैरह जो है और साथ में जो हम लोगों ने बनाए होते हैं बांधड़ पूजन के लिए कसार और गुणा उनको हम जो है यहाँ पर चढ़ाते हैं। और इसके बाद जो है तो भाई देहल की पूजा करने के बाद पहुँच गए हैं हम यहाँ पर। और ये है पाजे की छटियाँ, इसकी पूजा करने के लिए इसके नीचे दूल्हे को नहलाया जाता है, सारी जो भी रस्में हैं इसके नीचे होती हैं। तो हम तीनों जो हैं एक एक साइड से जो है तिलक लगाकर उसको जो है फूल अक्षत चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ में जो ये बनाया होता है ना हम लोगों ने कसार और गुणा इनको भी इसको चढ़ाते हैं हम। और इसके बाद जो है हम लोग चल पड़ेंगे तोरण के पास। Yeah.
नहीं भाई भाई पकड़ने लंबी हाँ लंबी तो ये हो गए बांधड़े पूजन यहाँ पर ख़त्म। और इसके बाद जो है यहाँ पर चलती है हमारी अपनी पहाड़ी नाटी क्या धमाल लगा रखा है हम सब ने। यहाँ पर पूरी पूरी मस्ती हो रही है ननंद भाभियों के बीच में। तो ये फौजी ड्रेस में आप देख रहे हैं ना, ये है मेरी ननंद जो कि फौजी मुंडा बनी हुई है। और हमने पूरी पूरी मस्ती, आज ही का दिन मिला होता है ना हम भाभियों को अपने ननंद के साथ इस तरह से मस्ती करने का, तो पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने तो जो है ना इनको उठा के घुमा ही दिया गोल गोल। गीत संगीत के बाद जो भी प्रसाद के रूप में बनाया होता है ना कसार और जो गुणे होते हैं बस उसको जो है सब में बांट दिया जाता है। तो मेरी ननंद जो है सबको बांट रही है और हम मजा ले रहे हैं उनको खाने का। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये जो कसार बनाई होती है। शाम हो चुकी है और भाई दूल्हा लेकर आ गया है दुल्हन को। तो ये है दुल्हन की पालकी और साथ में दूल्हे राजा को देखिए किस तरह से झुलाया जा रहा है। तो इसके ये जो भाई हैं ना जिन्होंने इसको पालकी में उठा रखा है पूरा जो है इसको अच्छा खासा झुला रहे हैं, क्योंकि ये मांग रहे हैं अपना नेक यहाँ पर, अपना लाग यहाँ पर, कि जब तक जो है इनको लाग नहीं दिया जाएगा, इनका सगन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो इसी तरह से दूल्हे राजा को झुलाते रहेंगे। तो ये जितने भी हैं सभी इसके भाई हैं।
और ये देखिए ऋषि, ऋषि भी अपना पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और ये लीजिए देखिए मेरे श्रीमान जी पहुंच गए और मना कर रहे हैं कि अब काफ़ी हो गया भाई, दूल्हे राजा को उतार दो नीचे, थक भी गया है सारा दिन बेचारा। पर भाई भाई लोग कहाँ मानने वाले हैं, है ना, तो इनको तो चाहिए अपना लाग। जब तक लाग नहीं मिलता तो चाचू के समझाने पर, श्रीमान के समझाने पर देखिए मानते हैं कि नहीं, तो एटलीस्ट मान ही जाएंगे मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। और ये देखिए मान गए हैं और रखी है पालकी, और इनको इनका नेक भी दे दिया गया है। ये तो था दूसरे दिन की शादी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखवाई, हमारे रिचुअल्स, और इससे आगे का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, रिचुअल्स हमारे कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।